नमस्कार दोस्तों, एजुकेटिव पनवेल चैनल में आपका स्वागत है। तो एजुकेटिव पनवेल चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द सिक्योरिटी ब्रीच मींस और टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच, यानी कि सिक्योरिटी ब्रीच होता क्या है और उनके टाइप्स कितने हैं, आज की वीडियो में हम देखने वाले। तो सिक्योरिटी ब्रीच होता क्या है, तो हम अगर सिंपल में जानना चाहें तो हर एक कंपनी की पॉलिसीज होती है, उनकी एसओपीज बनी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनको फॉलो नहीं करना और अनऑथराइज एंट्री का उसमें जाना, यही है सिक्योरिटी ब्रीच। यानी कि जो पॉलिसीज बनी होती है उसको कट करके अनऑथराइज पर्सन तो एंट्री करना, वो सिक्योरिटी ब्रीच यानी कि पॉलिसी का उल्लंघन करना। तो देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या होता है। सिक्योरिटी ब्रीच इज एन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डिवाइस, नेटवर्क, प्रोग्राम और डाटा। सिक्योरिटी ब्रीच हैपन्स व्हेन नेटवर्क और डिवाइस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आर और अनऑथराइज्ड वाइज सर्कुलेंस, यानी कि जो भी सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो वह कहां पे होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस जहां पे मिलता है आपको, डिवाइस को मिलता है या नेटवर्क होता है या प्रोग्रामिंग होता है या तो डाटा होता है, वहां पे अनऑथराइज एक्सेस मिल गया तो वहां पे सिक्योरिटी ब्रीच शुरू होता है, यानी कि सिक्योरिटी ब्रीच होता है। तो सिक्योरिटी ब्रीच कब हैपन होता है, कब घटित होता है, तो नेटवर्क और डिवाइस सिक्योरिटी को प्रोटोकॉल्स में अंदर, यानी कि जो सुरक्षा प्रोटोकॉल्स होता है उसमें प्रवेश अगर किया जो भी अनऑथराइज व्यक्ति होता है, डाटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन उसमें, जब सुरक्षा नियंत्रण बनाया जाता है उसमें अगर अनऑथराइज ने उसमें इन्वॉल्व किया, प्रवेश किया, एंट्री किया, तो क्या होता है, सिक्योरिटी ब्रीच होता है। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डाटा, एप्लीकेशन, सर्विसेज, नेटवर्क्स और डिवाइसेस बाय पासिंग देयर अंडरलाइंग सिक्योरिटी मैकेनिज्म, यानी कि जो सिक्योरिटी की सुरक्षा बनाई जाती है, चाहे वो डाटा इंफॉर्मेशन हो, एप्लीकेशन हो, सर्विसेस हो, नेटवर्क डिवाइसेस हो, या तो आपकी फिजिकल सिक्योरिटी हुआ हो, जहां पे सुरक्षा का नियंत्रण होता है वहां पे अगर अनऑथराइज पर्सन या तो अनऑथराइज पासिस अंदर जाता है वहां पे सिक्योरिटी ब्रीच पैदा होता है, यानी कि शुरू होता है वहां से सिक्योरिटी ब्रीच। तो उसका जो दर किनारा होता है एक सिक्योरिटी नियंत्रण का, वहां पे अगर अनऑथराइज पर्सन अंदर जाता है तो वहां पे सिक्योरिटी ब्रीच होता ही होता है। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच कौन से है आज के अभी देखने वाले। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच कितने हैं, तो फर्स्ट में होता है स्टोलन इन्फॉर्मेशन, किसी दूसरे की इन्फॉर्मेशन चुराना, ये फर्स्ट ब्रीच होता है, यानी कि दूसरे की जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको चुरा लेना, ये सिक्योरिटी ब्रीच होता है। उसके बाद में पासवर्ड गेसिंग, किसी का दूसरे का पासवर्ड गेस करना और उसका सिस्टम ओपन करना, वहां से जो इन्फॉर्मेशन लेना, ये भी एक सिक्योरिटी ब्रीच होता है। उसके बाद में रिकॉर्डिंग कीस्ट्रोक्स, यानी कि कीबोर्ड कैप्चरिंग करना और कीबोर्ड पर जो कीज होती है उसका रिकॉर्ड करने की कोशिश करना, यानी कि रिकॉर्ड कीस्ट्रोक्स, यानी कि कीबोर्ड एक दूसरे का कैप्चर करना और उसके ऊपर क्या करना, यानी कि रिमोटली कंट्रोल लेना। उसके बाद में फिशिंग, ये फिशिंग एक सोशल इंजीनियरिंग का अटैक होता है, ये भी बहुत सिक्योरिटी ब्रीच में माना जाता है। उसके बाद में मालवेयर और वायरस, किसी की दूसरे के सिस्टम में वायरस डालना, ये मालवेयर जैसा वायरस उसमें डालना, ये भी एक सिक्योरिटी ब्रीच होता है। उसके बाद में जो भी पॉलिसीज होते हैं, मैंने बताया पहले आपको, रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो नहीं करना और अनऑथराइज पर्सन अंदर एंट्री करना, वहां पे सिक्योरिटी ब्रीच होता है। यानी कि कौन सी, आप अगर विदाउट आईडी किसी कंपनी में जा रहे हैं तो भी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। जो भी आपको रिस्ट्रिक्टेड एरिया एक्सेस है वहां से अगर कोई दूसरा बंदा अंदर जाता है वो भी सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। और अनऑथराइज एंट्री जहां पे घटित होती है, जहां पे एंट्री नहीं है वहां पे आप गए तो भी सिक्योरिटी ब्रीच होता ही होता है। तो ये सिक्योरिटी ब्रीच के अगर एग्जांपल्स मैं आपको बताने चाहूं तो क्या होता है, अमेरिका में फर्स्ट अमेरिकन फाइनेंस कॉर्पोरेशन में डाटा ब्रीच हुआ था 2019 में, और एक हुआ था फेसबुक डाटा ब्रीच हुआ था 2019 में, यानी कि ये दो बहुत बड़े एग्जांपल्स है सिक्योरिटी ब्रीच के, जहां पे उनका फाइनेंशियली डाटा चुराया गया था, गायब हो गया था, फेसबुक का भी डाटा ब्रीच हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि सिक्योरिटी ब्रीच क्या होता है, जहां पे सुरक्षा होती है, सिक्योरिटी होती है, उसका उल्लंघन करके अनऑथराइज पर्सन अंदर चले जाना है, यानी कि सिक्योरिटी ब्रीच होता है। तो वो डाटा इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, सर्विसेज, नेटवर्क, इसमें अगर इसमें भी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, फिजिकल सिक्योरिटी में भी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, किसी की इन्फॉर्मेशन चोरना, पासवर्ड गेसिंग करना, रिकॉर्ड की स्ट्रोक करना, फिशिंग करना, वायरस आदि चीजों से सिक्योरिटी ब्रीच होता ही होता है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद आपको, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, थैंक्स।